वेलकम बैक ब्रदर एंड सिस्टर चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राखी की वीडियो, क्योंकि राखी आ रही है तो इसमें हम बनाएंगे दो राखी। तो ये बहुत ईजी है, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक तो होगी जो हमें बाजार का सामान चाहिए, एक होगी जो हम पेपर से इजी तरीके से बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे कार्डबोर्ड और उसके हिसाब से आप दो कलरफुल पेपर काट लीजिए। आप इसकी जगह पेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे पेस्ट कर देते हैं फेविकोल के साथ। अब इसकी जगह वो भी लगा सकते हैं पेंट कलर, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। आपने एक छोटा सा स्पंज जैसे ले लिया है, तो इसे आप चिपकाएं अपनी कार्डबोर्ड पर। तो इन छोटे छोटे स्टोन्स को मैं लगा रही हूँ इस साइड में। इसको भी मैं यही कर देती हूँ पेस्ट। और एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं रेड वाला, रेड और ग्रीन हरमन का फेवरेट है। तो आपको तो इसको थोड़ी देर सुखाना होगा। तो एक मैं इसके पैरों में लगा देती हूँ। सो गाइस देखो हमारी राखी हो गई है, रेडी हो गई है वो भी तरीके से। सो अब हम इसको, आप चाहे इसको पेस्ट कर सकते हैं रिबन के साथ, जहाँ पे कोई भी थ्रेड के साथ, जो भी ऊन के साथ भी कर सकते हैं। आपको बताती हूँ ऊन के साथ कैसे। या फिर सिंगल ऊन ले ली तो हम इसको डबल लिख सकते हैं। देखो मैंने इसको इस तरह से डबल काट लिया इतना। अभी आप धागा देख लीजिए कितना चाहिए, उस हिसाब से आप इसको डबल कर कर कट करें। तो देखो ये मैंने डबल धागा काट लिया इस तरह से ऊन का। तो जो से इसकी एक साइड है उसको मैं यहाँ से गांठ मार देती हूँ, जो कि पेस्ट कर लेती हूँ। तो कर लिया। तो गाइस मैंने इसमें गांठ मार ली है। तो देखो ये इतनी साइड बच रही है, तो मैं इसे भी काट लेती हूँ। तो पेस्ट हम इसका हाफ आप कैसे चुने, देखो दोनों साइड को आप यहाँ पर ला लो और इधर अपना हाथ रख लो। ज़्यादा गम ना लगाना, बिकॉज ये वो है ऊन, तो इसमें अच्छे तरीके से चिपकेगी।
देखो कितनी बढ़िया ये रेडी हो गई है। तो आप इसे इसकी साइड्स में डेकोरेट कर सकते हैं छोटे छोटे स्टोन्स लगाकर, नहीं तो आप रहने दे सकते हैं। और आप चाहे इसे हॉट ग्लू से जो इसकी ये बच गए हैं इसे आप चिपका सकते हैं। तो मैं अगर आप इधर स्टोन लगाएंगे तो ये दोनों थ्रेड साथ में चिपक जाएंगे, तो मैं अभी लगा देती हूँ स्टोन। सो गाइस अगर मैंने स्टोन लगा लिया इसकी साइड घूम गई है। सो ये थी हमारी फर्स्ट राखी जो बहुत ही बढ़िया बन गई। तो बढ़ते हैं हमारी सेकंड राखी की ओर। सो गाइस सेकंड राखी के लिए हमें चाहिए ये वाला कार्डबोर्ड और साथ में हमें चाहिए ये पेपर। इसमें मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। सो अब हम इसको कर लेते हैं कट। सो गाइस ये देखो मैंने काट लिया है, ये इसके हैं दो सर्कल्स। तो अब हम इनको कर लेते हैं पेस्ट। तो अभी हम कर लेते हैं ये। सो मैंने एक साइड चिपका लिया, अभी हम दूसरे साइड चिपका देते हैं। तो देखो मैंने ये दोनों साइड चिपका लिया, ये भी हमने उस राखी की तरह किया है। तो अभी हम बनाते हैं हमारी आगे की राखी। तो आपने एक ग्लिटर शीट को इस सर्कल से थोड़ा छोटा सर्कल में कट कर ले। सो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटा काट लिया है। तो अब आप ले दूसरी ग्लिटर शीट। तो ग्लिटर शीट आपने क्या करना है कि ये थोड़ा बड़ा और ये छोटा है, तो आपने इनके इक्वल में इसको कट करना है। अभी मैं आपको कट करके बताती हूँ। सो गाइस अब आप क्या करें, देखो मैंने काट लिया है, इसको इस तरह से रखें और इस वाले को इसके ऊपर रखें और इनको कर लें पेस्ट। सो गाइस ये हो गई है पेस्ट। तो अब आप ले ये पेपर कोई भी कलरफुल, तो हरमा का फेवरेट कलर है ग्रीन, तो मैंने ग्रीन पेपर लिया है। तो अब आप इन ग्रीन पेपर में आपको बताती हूँ क्या करना है। ग्रीन पेपर में हम एच नाम का अल्फ़ाबेट कट कर लेते हैं हरमन के नाम जैसा। सो ये मैंने एच टो कर लिया। अभी अपने भाई के नाम के इसको कट कर सकते हैं, अभी इसको कर लेते हैं कट। सो गाइस अभी मैंने कट कर लिया है इसके नाम का अल्फ़ाबेट। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कट किया है, ये इसके नाम का ही अल्फ़ाबेट है बिकॉज इसका नाम का एच मुझसे काटा नहीं गया, तो इसलिए मैंने इस तरह से कट कर लिया। आप भी इस तरह से कट कर सकते हैं देखो। तो अभी हम इन्हें कर देते हैं यहाँ पेस्ट को, यहाँ कर लेती हूँ यहाँ उसको यहाँ, होगी पेस्ट। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ये पेस्ट कर लिया, साथ में मैंने ये इसके नाम के आगे ये थोड़े से स्टोन भी लगा दिए हैं। तो अब मैं आपको एक और आइडिया बताती हूँ कि अपना जो ये जैसे देखो इसके नाम का अल्फ़ाबेट है एच, तो इस लाइन को थोड़ा सा छोटा आप इतना का रेड का पेपर काटे, इससे छोटा रेड का, इससे रेड का। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कट कर कर। सो गाइस इसे देखो मैंने ये रेड के काट लिए हैं, तो अभी मैं इनको कर लेती हूँ पेस्ट। आई थिंक ये ज़्यादा कटे गए होंगे। सी तो ये भी इनको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। सो गाइस ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हैं। सो गाइस तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ आप ये वाली टेप को इस पेपर के ऊपर भी लगा सकते हैं, इस तरह से ज़्यादा कलरफुल होगी। सो इस तरह से लगा सकते हैं, बट मैंने लगा ली, तो चलो अभी इसको पेस्ट करते हैं थ्रेड में। सो गाइस ये देखो मैंने थ्रेड उतार लिया है, कट कर लिया। तो इसकी ये जो सी ये वाली साइड है, तो हम इसको कर लेते हैं गांठ बांध लेते हैं इस तरह से। देखो हो गया अच्छे से, आप गांठ बांध लें
और जो उनसे ये वाली साइड बचती है तो इसको आप सीधे से कट करें। तो ये हो गया हमारा थ्रेड, इसको एकदम आप सीधा रख कर अपनी राखी को इसके ऊपर पेस्ट करें। और इसको भी आप स्टोन के साथ डेकोरेट कर सकते हैं या बिना स्टोन के साथ भी। अब इस राखी को मैं बिना स्टोन के साथ डेकोरेट करूँगी, तो मैं इसको कर लेती हूँ पेस्ट। तो मुझे थोड़ा ध्यान से गुम लगानी होगी, तो इसमें मैं कर लेती हूँ यहाँ पे पेस्ट। ये हो गई हमारी पेस्ट। सो गाइस हमारी ये देखो राखी तैयार हो गई है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी राखी की ओर। सो गाइस तीसरी राखी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपको बस कुछ नहीं करना। आपको तीन चार चार अलग अलग कलर के पेपर लेने हैं, कोई भी कलर के। तो इनको इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है जैसे फैन बना लेते हैं, आपको इस तरह से फोल्ड करना है। मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करते हैं। सो देखो आप अब इन तीनों को काट कर इस तरह से फोल्ड कर लें इक्वल, ठीक है इस तरह से। और मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सो देखो आपको पहले कोई भी दोनों के साथ मैच कलर लेने हैं, जैसे मैंने ये दोनों लिए, ये वाली साइड है। इसको इस तरह से साथ में पेस्ट कर, इसकी एक साइड ये पकड़ो और इसकी एक साइड ये पकड़ो। पेपर थोड़ा हार्ड है इसलिए देखो इस तरह से हो गया। इस तरह से आपको ने इसको भी साथ में पेस्ट कर देना है और साथ में इसको, इन तीनों को, इस साइड को और इसको। और जैसे आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस देखो मैंने इन दोनों को इस तरह से पेस्ट कर लिया है। तो अब आप ये वाला लें, इसको आप जो सी इसकी ये दो साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को आप कर लें पेस्ट। इन दोनों को आप कर लें पेस्ट, कितना बढ़िया से लग रहा है। तो अभी मैं इसके साथ पेस्ट करती हूँ, पेस्ट करती हूँ इस तरह से। इनको होल्ड कर लिया ना हमने पेस्ट, ये हम इसको ऐसे ऊपर रखती हैं देखो ऐसे। इसको मैं कर लेती हूँ बस, ये सुखाना होगा और कोई बात नहीं है। बस इसको सुखा कर अगर आप थ्रेड के साथ पेस्ट कर देंगे तो बहुत आपकी बढ़िया हो जाएगी। सो गाइस हमारी ये कितनी बढ़िया राखी बन गई है, हमारी तीन तीन राखी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी राखी अच्छी लगी, और मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। सो राखी का त्यौहार आ रहा है, अपने भाई को अपनी ये सुंदर सी राखी दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी राखी अच्छी है। इसको बस सुख में टाइम है, और अपने बाकी फ्रेंड्स या सिस्टर अपनी बाकी फ्रेंड्स या सिस्टर को भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ अगर ब्रदर ये वीडियो देख रहा है तो वो अपनी सिस्टर को ज़रूर शेयर करना। बाय गाइज़।